हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरफान नायक। आप मुझे देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद अरफान नायक चैनल पे। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यह है कि मैं आपको इन्फॉर्म करूं अबाउट दिस चैनल, ये चैनल किसके बारे में है और इस चैनल पे आपको किस तरह की वीडियोस मिलेंगी। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये चैनल जो है लर्न इंग्लिश विद अरफान नायक, ये मेरा चैनल है। इसमें मैंने जो वीडियोज बनानी है वो 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक इंग्लिश की जो है वीडियोज बनानी है, चाहे वो लिटरेचर पार्ट हो या वो ग्रामर पार्ट हो, वो पूरा मैंने इस पे कवर करना है इस चैनल पे। तो सबसे पहले मैंने कवर किया है 12th क्लास इंग्लिश का लिटरेचर पार्ट, उसका जो है टेक्स्ट भी मैंने अच्छी तरह डिस्कस किया है और क्वेश्चंस भी अच्छी तरह डिस्कस किए हैं। उन वीडियोस को आप जरूर देखना, वो जो है मैंने अकॉर्डिंग टू द जेके बोस सिलेबस मैंने कवर किए हैं। पहले उसका पैटर्न जो था वो जेके बोस के अकॉर्डिंग था, अब वो पैटर्न चेंज हो गया है, पैटर्न हुआ है सीबीएसई पैटर्न। उसके तहत भी मैं अभी नोट्स बना रहा हूं, जब मैं नोट्स कंप्लीट कर लूंगा आई लेट यू नो, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा अकॉर्डिंगली कि मैंने नोट्स बना दिए हैं। अभी मैं प्रोसेस में हूं, क्योंकि अब जो है नोट्स थोड़ा सा चेंजिंग करने पड़ती है। थोड़ी सी चेंजिंग क्या है कि पहले जो है थियोरेटिकल बेस पे क्वेश्चन आते थे, अब जो सीबीएसई पैटर्न में है वो एमसीक्यूज ज्यादा आएंगे। एमसीक्यूज आएंगे उसके बेस पे मैं क्वेश्चंस बना रहा हूं, उसके बेस पे मैं नोट्स बना रहा हूं। तो आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसमें सिर्फ 12th क्लास का ही जो है इंग्लिश लिटरेचर या ग्रामर पार्ट नहीं होगा, 8th से लेकर 12th तक, चाहे लिटरेचर पार्ट हो चाहे ग्रामर पार्ट हो, वो सब जो है वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में मैं डिस्कस करूंगा इस चैनल पे। ये मैंने जेके बोस का जो सिलेबस है ये इसलिए चूज किया कि इस जेके बोस के स्कूल में, जैसे हायर सेकेंडरी हमारे हैं, हाई स्कूल हैं, तो उतने अच्छे टीचर्स अवेलेबल नहीं होते हैं और ट्यूशंस बहुत कम अवेलेबल होती हैं हमारे J&K में। तो इसलिए मैंने चाहा कि आपका जो सिलेबस है वो पूरा यूट्यूब पे ही मैं कवर कर दूं। अगर बात की जाए हमारे हायर सेकेंडरीज की, तो माशाल्लाह हमारे हायर सेकेंडरीज में जो लेक्चरर्स थे कंट्रेक्चुअल, वो भी बंद हो गया कंट्रेक्चुअल। तो अब जो लेक्चरर्स हैं, जिस स्कूल में 3-3, 4-4 लेक्चरर की जरूरत है, उसमें 1 या 2 लेक्चरर भी नहीं अवेलेबल है। बहुत सारे हायर सेकेंडरी ऐसे हैं जिसमें बहुत सारी पोस्ट वैकेंट है, कोई लेक्चरर नहीं है वहां पे, खास करके इंग्लिश लेक्चरर की बहुत ही कमी है बहुत ही स्कूलों में। तो ट्यूशन भी बहुत कमी है, ट्यूशन भी अवेलेबल नहीं होते हैं। जो गांव के बच्चे होते हैं उनको ट्यूशन की बहुत ही परेशानी होती है, ट्यूशन अवेलेबल नहीं होते हैं। तो मैंने चाहा कि मैंने पढ़ाया कंट्रेक्चुअल लेक्चर 2 साल, तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है और मुझे ये सिलेबस याद है, जो 11th और 12th क्लास का इंग्लिश का सिलेबस है वो पूरा याद हो गया। तो मैंने चाहा कि मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ाऊं वो पूरा सिलेबस, और पूरा न्यू पैटर्न के तहत, तो आप अच्छी तरह उसको तैयारी कर पाएं और घर बैठे आप तैयारी कर पाएं, ना कि आप दूर दूर जाएं और ट्यूशन हासिल करें, उसके बाद ट्यूशन के 8-8, 9-9 हजार पे करें। तो आप उससे बेटर कि घर में ही यूट्यूब वीडियोस के तहत आप अच्छी तरह जो है इंग्लिश को प्रिपेयर कर पाए। और इसमें जो 12th क्लास का मैं जब कंप्लीट करूंगा, उसके जो लिटरेचर पार्ट कंप्लीट करूंगा, थोड़ा 1-2 चैप्टर रहे हैं, उसके बाद मैं क्या करूंगा कि जो ग्रामर पार्ट है उस ग्रामर पार्ट को भी अच्छी तरह डिस्कस करूंगा। तो मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। मेरा मकसद ये होता है कि जो वीक से वीक बच्चा हो उसको समझ आनी चाहिए। मेरा टारगेट जो ऑडियंस होती है, मेरी टारगेट होती है वीक से वीक बच्चा, जिसने पहले इंग्लिश का, जिसको अच्छा बेस नहीं है इंग्लिश का, जिसने पहले इंग्लिश नहीं पढ़ी है अच्छी तरीके से, जिसको इंग्लिश की ट्रांसलेशन की समझ नहीं है, तो उसको फायदा हो। जब मैं उस लेवल को देख के पढ़ाता हूं तो उससे फायदा, चाहे वीक बच्चा हो चाहे बच्चा मतलब इंटेलिजेंट हो, जिसके अच्छे मार्क्स आते हैं 10th में 90% आते हैं, वो बच्चा, दोनों को फायदा हो सकता है। अगर मैं थोड़ा हाई लेवल का पढ़ाता, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाता, तो उससे जो है प्रॉब्लम हो जाती है वीक बच्चे को। तो मेरी वीडियोस जो अगर वीक से वीक बच्चा देखे, जिसके 33% मार्क्स भी आए हैं 10th में, वो भी देखे, उसको भी पूरी समझ आ जाएगी। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये वीडियोस जो है मेरी वो आप वीक से वीक बच्चे तक पहुंचाएं, जो गांव में रहते हैं उन तक पहुंचाएं, जो बच्चे ट्यूशन एक्सेस नहीं कर पाते हैं, जो ट्यूशन जो है जिनके पास अवेलेबल नहीं है, उन तक ये वीडियोस पहुंचाएं। अगर आप इंटेलिजेंट बच्चे नहीं देखेंगे तो चलेगा, मगर वीक से वीक बच्चे को तक पहुंचाएं जरूर, ठीक है। आप अगर मतलब आपके 90% 10th में, तो आप इन वीडियोस को नहीं देखेंगे तो उतनी जरूरत नहीं है, आप खुद ही पढ़ सकते हैं। मगर वीक बच्चे को बहुत ही जरूरत है इन वीडियोस की, इन वीडियोस को वीक बच्चे तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि अगर मैं पढ़ाता हूं इतने सिंपल तरीके से तो सबको फायदा होता है, खास करके वीक बच्चे को फायदा होता है, उसको होप आती है कि भाई मैं कुछ कर सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं, मैं इंग्लिश समझ सकता हूं। तो इसीलिए मैंने चैनल बनाया कि हमारे J&K में जो गांव में रहने वाले बच्चे हैं, दूर दूर इलाके के बच्चे हैं, उनको इन वीडियोस की समझ आए, इन वीडियोस को देखें और
अच्छी तरह घर बैठे इंग्लिश को प्रिपेयर करें और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आए। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उन बच्चों को भी इन्फॉर्म कीजिए जिन बच्चों को नीड है, और वीडियो को जब सब्सक्राइब करेंगे, जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगा वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। वीडियो को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए तो आपको जो है न्यू वीडियोस जरूर मिलेंगी सबसे पहले। और आपको जो दूसरी चीज मैं बोल रहा हूँ, मैं जो नोट्स बना रहा हूँ न्यू पैटर्न अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न जेके बोस 12th क्लास इंग्लिश का, वो भी अब मैं बना रहा हूँ, प्रोसेस में हूँ। जब मैं कंप्लीट कर दूंगा तो आई विल लेट यू नो, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने नोट्स बना दिए हैं, आपको नोट्स जो है मिल जाएंगे। तो अभी तक आपने करना क्या है मेरे वीडियो को, 12th क्लास वालों को मैं बोल रहा हूँ कि 12th क्लास वालों को करना क्या है, 12th क्लास वालों को जो है टेक्स्ट को पहले समझना है, जो टेक्स्ट की वीडियो उसको देखनी है, उसके बाद क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है, जब उन और नोट्स के अकॉर्डिंगली बनाने हैं। जब मैं जेके जो सीबीएसई पैटर्न के तहत नोट्स बनाऊंगा उसमें मैं एमसीक्यूज भी डालूंगा, जो उन्होंने थोड़ी चेंजेस लाई हैं, सिलेबस तो वही है, थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ती है। मैंने ओल्ड पैटर्न के नोट्स बना रखे हैं, अब न्यू पैटर्न में थोड़ी चेंजेस करनी है क्योंकि एमसीक्यूज डालने हैं, बाकी जो न्यू पैटर्न चेंज हुआ है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वो मैंने प्रिपेयर करने हैं। जो मैं जब मैं प्रिपेयर कर दूंगा पूरा तो आपको उस उन नोट्स से अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। अगर वही नोट्स आप रिवाइज करें और समझें पढ़ें उन नोट्स को तो आपको 90 से अबव मार्क्स आ सकते हैं इंग्लिश में। तो वही मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ इस टाइम उन नोट्स को। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपको जब भी मैं वीडियोस बनाऊं, जब भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊं आपको मिल जाएंगी। और जो सिलेबस बचा है लिटरेचर पार्ट का, एक दो चैप्टर्स बचे हैं, वो भी जल्दी कंप्लीट कर लूंगा मैं, उसके बाद मैं ग्रामर पार्ट भी जल्दी स्टार्ट करूंगा। थैंक यू। और आपको जो ये रिक्वेस्ट अगेन करता हूँ कि उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिन बच्चों को इन वीडियोस की जरूरत है और जिसके लिए मैंने ये चैनल बनाया है, ताकि उन बच्चों को फायदा हो। मैं सीबीएसई पैटर्न के भी सीबीएसई स्कूल के लिए भी वीडियो बना सकता था क्योंकि वो इंडिया लेवल है, सब बच्चे देखते, मगर मैंने चाहा कि जेके बोस जो है पहली प्रायोरिटी रहेगी। जब ये जेके बोस का सिलेबस मैं कंप्लीट करूंगा 8 से लेकर 12 तक, उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के भी बनाऊंगा, बीए पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड जो 6 सेमेस्टर्स हैं उनके लिए भी वीडियो लेक्चर्स बनाऊंगा और सीबीएसई पैटर्न इंग्लिश के भी वीडियोज बनाऊंगा। सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी जो रहेगी वो रहेगी जेके बोस जो 8 से लेकर 12 तक इंग्लिश, चाहे ग्रामर हो या चाहे लिटरेचर पार्ट हो, और इंग्लिश स्पीकिंग के वीडियोस भी बीच बीच में मैं डाला करूंगा जिससे आपको इंग्लिश को इम्प्रूव करने में